हुआ ये दादाजी कि थोड़ी सी एक फैशनेबल बहू आ गई और आदमी जो उसका हस्बैंड था वो मेरी तरह सीधा साधा सा आदमी था, तो वो जब पतला दुपट्टा डाल करके गलियारे में निकलती थी तो उसको वो कहता था कि आप इतना पतला दुपट्टा डाल करके गलियों में ना निकला करें, तुम्हारा मुंह दिखाई देता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग आपको देखते हैं, ऐसा ना हो कभी आपको किसी दिन नजर लग जाए या और कोई किसी तरह की मुझे समस्या का सामना करना पड़ जाए, इसलिए तुम इस दुपट्टे को थोड़ा सा ऐसा रखो जिसमें आपका मुखार बिंद दिखाई ना दे, आपका ये चांद सा मुखड़ा दिखाई ना दे। पिया जी, जी मैं तो इतनी फैशनेबल बहू हूँ कि मुंह ढकड़ा तो दूर, मैं तो सिर पर चुन्नी भी ना रखू। बिल्कुल सही कह रही है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही है, क्योंकि आपके पैरों में रची हुई है मेहंदी साक्षात इस बात का। जीता जागता उदाहरण है कि आप फैशनेबल बहुत काफी है। हाँ ये तो करवा चौथ था ना, तारी उम्र बढ़ाई है थोड़ी सी है दादा। करवा चौथ का व्रत किस किसने रखा भाई, हाथ उठा के बताइए जरा। ले ये तो औरता का काम है, हमने रखा पिया जी। अच्छा कुछ मर्द भी है जो जिन्होंने रखा ये करे, अपने घरवाली तो प्यार तम थोड़ी करो हो, आप करते तो आप भी मेरे लिए रखते प्यार। ये राजू जी है हमारे ढोलक वाले, ये बहुत रखते हैं, इन्होंने तो बहुत करवा चौथ मनाई है, बहुत मनाई है भगवान का सर। इनकी बातों में ना आओ ये तो ना ना। हाँ। तो मैं गली में ना भटकू, आना पड़ेगा, इनकी तो बहुत ही अलग बात है। पूजा राव जी है मासे जी, सुनो के इनके तो चूड़ी फोड़ की छाती पे दो तीन तो एक्स्ट्रा पटक रहा है। ओहो आप क्या चाहते हो कि मैं सर पे दुपट्टा डालूं? आप सर पे दुपट्टा डाल करके चलो, और दुपट्टा भी वो होना चाहिए जिसमें आपका मुंह ना दिखाई दे। कोई कारण बताओ सर पे दुपट्टा डालने का। शे बहुत से यहाँ पर कुछ ऐसे बैठे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। हाँ और जिनकी शादी नहीं हुई उनकी नजर बहुत तीखी लगती है। मेरी नजर लग जाएगी? नजर लग जाएगी तुम्हारे, उस चीज की टेंशन आप मत लो, बस मौज करने दो। मौज तो आप करो, लेकिन ऐसी मौज किसी काम की नहीं है जिससे हमें फिर आगे चलने में परेशानी हो, क्योंकि क्योंकि रंडवाओं की जो नजर है वो बहुत खतरनाक है। और कुछ धीरे, हाँ भाई लक्ष्मण जी जिनके आज यहाँ आज ये कार्यक्रम हो रहा है। हाँ इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। बिल्कुल मेहनत करी है, जब भी मेहनत का फल मिला है, इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ दावत की है इन्होंने। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। ताली बजा दे मैं जोरदार। हाँ। कुछ कहना चाह रहे हो पिया जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना पतला दुपट्टा डालकर ना चलाकर ना चलाकर ना चलाकर भगवान। तो आप गा के बताओ, हम गा के जवाब देंगे। गा करके? हाँ। बजा करके भी? नहीं 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 बस गा गा के। हरकत मुर्गी के साथ में? ना ना। जब वाद्य यंत्र नहीं चल पाएंगे तो फिर गाने से क्या है, सिंगार बगैर तो सब कुछ अधूरा है। चलो तो आओ। हाँ जी हाँ, गा बजा के करो, आ जाओ। हरकत मुर्गी छोड़ सीधी संपया संप आओ। हे हाँ पतला दुपट्टा तेरा मोती दुपट्टा तो जरा ऊपर डाल लो भगवान। ना आप दूर होके बात करो, जो कहना है दूर से ही कहो। तेरा सब कुछ दिखे, सब कुछ तो मैं कपड़े पहन रखे, सिर सिरी तो दिखे है, सिर भी दिखे है, मुंह भी दिखे है, दिखण दो नाक भी दिख रही है, आंख भी दिख रही है, तुम भी दिख रही है, तेरी बाली भी दिख रही है, दिखेगा तेरी नथली भी दिख रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ जी दिखने दो, ये चेहरा देखने के लिए बनाया है भगवान ने। जरा थोड़ा सा कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, अभी देखने के लिए बनाई है तो भगवान ने, देखने दो पिया जी। हल्का सा एक बार तो दुपट्टा आप डाल ही लो पूजा जी। ले फूफा तू राजी रह, सारी फूफा कोई जीजा भी है, तू राजी रह, बस ताली बजा दे और बता। अरे मेरी चोटी को तो ढक ले भगवान, तेरी चोटी नजर आ रही है। हाँ कह दो अब, कह दो अब भी तो हुई बात, कहो। पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे,
उठने पहरण के से दिने। अच्छा ओ पिया जी। हाँ जी। अरे मेरे उठने पहरण के से दिने ओ पिया बात बात पैकू जी के हूं। आप बोला कर नहीं देते मुझे, काफी दिन हो गए आपको कहते कहते, पूरी साल हो गई एक सूट में निकाल दी पिया जी, एक कितनी सी कतरक भी पढ़वा के ना दी आपने। रतास कवर जी के यहां आ रही है, घबराने की जरूरत नहीं है, हर कमी को पूरा कर देंगे, चिंता मत मान। ये तो कर ही देंगे, तू भी किमी करेगा गलूई, मैं भी तिनके पीछे हूं, तू ही करेगा किमी करेगा जो ये क्यों करेंगे, मुंह तो इन्हें देखने भी ना दे यो, और फिर ये क्यों करेंगे नू बताओ। ये तुम्हारे जेठ जी हैं ना, जेठ जेठ जी से, और जेठ का मुंह थोड़ी देखे करे, जेठ मुंह नहीं देखते। मेरी कुछ शिकायतें हैं आपसे। क्या शिकायतें हैं उनको बता तो मुझे जो। मेरा गोरा रंग से काला सूट सिमा, गोरे रंग ने इस गोरे रंग ने लको मेरी बदमा, मेरा गोरा रंग से काला सूट सिमा, इस गोरे रंग ने लको मेरी बदमा।
बात को समझने की कोशिश कर, इस गोरे रंग को तू लग करके चला कर, वरना बहुत सी मुझे तकलीफ उठानी पड़ जाएगी। ना मना पिया मान जा गोरी रहन दे, मैं ना मानता पिया मान जा मैं ना मानता, मेरा इसा मरद पल्ले पड़ा मेरा इसा मरद पल्ले पड़ा, मैं राजी ना बिल्कुल थी जैसे 500 दो के मंडल में दो ही बीड़ी रह गई हो। पिया जी कमजोर वैसा है लेकिन यहाँ तक आने की हिम्मत ठोक दिए, 10 रुपए में पूरे आनंद ले लिए इसने भी। हाँ। 10 के नोट का भी एक कान नीचे कुए पर आनंद पूरे लेगा, कोई बात नहीं है, फेर दे होटो पे जीव सी फेर दे एक बार और, कोई बात नहीं। हाँ मुझे ऐसे दिखे जैसे घर वालों ने तुझ पर लोन ले रखो हो, आफत सी में जूझ रहो। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ मेरी मौसी लगे मौसी बेटा दोनों नोच रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब। मेरी परी जवानी एक हरफ पढ़ ले, तेरी भरी जवानी की हरफ तो मैं जब पढ़ू जब कोई पढ़न दे, लाठी लिए खड़े हैं ये पढ़न दे रहे तेरी कोई काम कर ले तो हमें। हाँ। मेरी परी जवानी एक हरफ पढ़ ले, मारा आरा ईख नड़ान चाल गड़ ले, मेरी परी जवानी एक हरफ पढ़ ले, आरा ईख नड़ान चाल गड़ ले, मारा मान जा गरम दे पिया मान जा मेरी रहन दे, मेरी कदर न जानी बाल माँ मेरी कदर न जानी बाल माँ, रही झूठ सबर का मैं ठीक है तेरा मुंह भी है ओतन पहरण के सजे।
जहाज के मां बैठ गोरी एरी राम रट के कीरे जहाज के मां बैठ गोरी एरी राम रट के ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके मेरी ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके पुचकार गई तेरी सासू और साड़ी तन्ने दे दी राम राम मुँह पटवे से आई और मैं तेरा जोड़ा ठल्लूंगा तू ले पेटी की ताई धन धन से तेरे मात पिता ने लाड लड़ा करी तेरे धन धन से तेरे मात पिता ने लाड लड़ा करी जी हो जा
आगी जब करा पड़ेंगे और माफी राजी हो जागी जब करा पड़ेंगे अरे पड़ेंगे गलूर हूर पड़ेंगे गलूर हूर लटके लटके वाले मांगेराम जी ने बताया कि गाना बजाना या तो मिरासियों के खून में है या डूम या नट ये गाना बजाना ना गुजरों का है ना हीरो का है और ना भाई जाटों का है लेकिन आजकल गाना बजाना गुजर जाती हीर जाती और जाट जाती ये तीन जाति ऐसी है जिनका रह गया गाना बजाना अब डूम मिरासियों का गाना बजाना नहीं है लेकिन पहले का जमाना ऐसा था अगर कोई जाट ब्राह्मण गुजर का छोरा नू कहते ना मैं गाना सीखूंगा माँ बाप रैपटा देगा घर बैठा दिया करते तो ना बनाऊंगा संगी दादा मांगेराम जी ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे और उनको सांग सीखने में कैसी कैसी दिक्कतें आई आज तो ये गाना बजाना हर घर में है सुनेंगे आखिरी बात में दादा मांगेराम जी ने जिला रे हमारा रोहतक में से जिला हमारा हरियाणे में ना सोनीपत तहसील लागती पाड़ची से गांव आस की मैं रसांग सीखा जमींदार का लक्ष्मी चंद गुरु चाटी आड़े गंगा के साधा और लक्ष्मी चंद गुरु जाटी आड़े रे मांगे राम ने सांग सीखा मांगे राम ने सांग सीखा लुटे पीट के को चलते चलते 16 दिन गुजर गए और वो 17वां दिन जिस दिन अर्जुन और कर्ण का रथ आमने सामने है हालात ये हुए एक तरफ अर्जुन का रथ है दूसरी तरफ कर्ण का बार बार कर्ण के रथ पर अर्जुन बाण चलाए जा रहे हैं अर्जुन कर्ण के रथ को कभी 3 कदम कभी 7 कदम कभी 20 कदम पीछे हटाए जा रहे हैं लेकिन एक बाण ऐसा चलाते हैं कर्ण बलि अर्जुन के रथ पर कि अर्जुन के रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया जब 3 कदम रथ पीछे हटा तो स्वयं श्री कृष्ण जी भी अपने आप को नहीं रोक पाए और कह दिया कह रहे वाह शाबाश कर्ण तुझे भी और तेरी जननी मां को जब यह शाबाशी के शब्द सुने तो अर्जुन ने धनुष और बाण रोक लिए और एक प्रश्न करता है श्री कृष्ण जी से क्या प्रश्न करता है यह बहुत ही फेमस रागनी है दादाजी और लगभग सभी की सुनी हुई ये रागनी हम प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन जो इससे आगे की रागनी है वो आपने नहीं सुनी होगी तो दोनों रागनी हम एक जगह के एक किस्से के आपके बीच में रख रहे हैं
श्री कृष्ण जी और अर्जुन का संवाद होता है। किस तरह दोनों का संवाद हुआ, श्री कृष्ण जी से वो अर्जुन किस तरह सवाल किए जा रहे हैं, और श्री कृष्ण जी किस तरह से कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के हर सवाल का जवाब देकर के उसे संतुष्ट कर रहे हैं। आइए ये रागनी दोनों कलाकारों के द्वारा आपके बीच में। हाँ तो अर्जुन, हाँ तो कहिए महाराज। कहना यह है कि तूने धनुष बाण क्यों रोक लिया अर्जुन? और क्या करूं, युद्ध कर। युद्ध इस प्रकार से नहीं होगा महाराज। और कैसे होगा? इस महाभारत के युद्ध को चलते चलते 16 दिन गुजर चुके हैं। बिल्कुल गुजर गए हैं, पहले तो लक्ष्मण तंवर जी से मिलने थोड़ा सा। आज 17वां दिन है। इस महाभारत के युद्ध को चलते चलते 16 दिन गुजर चुके हैं, 17वां दिन का युद्ध है। बिल्कुल 17वां दिन है, आज 16 दिन गुजर चुके हैं। एक से एक योद्धा महायोद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, कुछ ने मोर्चा छोड़ दिया है और कुछ धराशायी हो चुके हैं महाराज। पर लेकिन आज से पहले इतने साफ शब्दों में, इतने खुले शब्दों में आपने किसी भी योद्धा की प्रशंसा नहीं की जितनी कि मेरे सामने खड़े इस दुश्मन की कर्ण की प्रशंसा की है आपने महाराज। दादाजी ये कह रहा है कि आपने आज तक 16 दिन के युद्ध में किसी भी योद्धा की इतने खुले शब्दों में प्रशंसा नहीं की जी, जितनी मेरे सामने खड़े हुए मेरे दुश्मन इस कर्ण की है जी। अगर जब मैंने तुझे सच्चाई बता दी अर्जुन, तो तेरी शर्म से नीचे गर्दन झुक जाएगी। अच्छा, और सच्चाई पूछना चाहता है? मैं सच्चाई पूछना चाहता हूँ महाराज। तो प्रसन्न कीजिए, तेरे हर सवाल का जवाब देकर के तुझे। तो मेरी बात सुनिए महाराज। हाँ मरूंगा। मरेगा? मरूंगा महाराज। क्षत्रिय का काम मरने का नहीं होता है, लड़ने का होता है। क्षत्रिय का काम लड़ने का होता है, पर लेकिन आप मेरे दुश्मन की शाबाशी प्रशंसा कर रहे, तो मैं मरूंगा। बिल्कुल महाराज, मेरी बात सुनिए। आपको मरने नहीं दूंगा अर्जुन, आप अपनी बात कहिए। हाँ मरूंगा, बतला दो ये भेद क्या खेदी है, अरे ये आरजू ने तो भारी मरूंगा। कारण बचा कट जाने से, कारण को चपासी क्यों रथ मेरा तीन कदम हट जाने से, को चपासी क्यों रथ जब योधंग है फिर आगे क्या हालात, अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात। अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात। अर्जुन हो कदे मुख से दू मैं काट हाट फेल हो तेरा बलकार
महाराज कहिए, इस करण बलि ने ऐसा एक भी काम मेरी नजरों में नहीं किया जिसे मैं कुछ योद्धा इसे मान सकूं। तेरी आंखों में अहंकार आ गया है। मेरी आंखों में अहंकार नहीं है महाराज। बिल्कुल अहंकार है जो तुझे इस करण बलि का कोई भी कर्तव्य दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा हाँ। तो मेरी बात सुनिए महाराज, कहिए। धमनी क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुन साबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुन साबर नहीं। अरे थोड़ी सी तो जटा कर्ण, तीन कदम तीन लोक हम पाछे न हटागा कर्ण, तीन कदम तीन लोक हम पाछे न हटागा कर्ण। हो बाण मारे भारे कह जोश रे, ओ जोश रे बाण मारे भारे के जो होश नहीं, धारा ने तला के पास खारी वाला नहीं है महाराज। दादाजी ये कह रहा है कि ये तो एक कर्ण है, अगर जो ऐसे 100 कर्ण भी मेरे सामने आ जाए तो ये कुंती पुत्र अर्जुन उनसे दहशत खाने जी महाराज। अभी मैंने तुझे बताया था अर्जुन, अभी मैंने तुझे बताया था कि जिस टाइम ये कर्ण बलि अपने बाण को प्रतिज्ञा पर चढ़ाता है और आसमान की तरफ जब उस बाण को देख करके तेरी तरफ छोड़ता है तो धरण तक गस खा जाती है, इस धरती में भी कंपन शुरू हो जाती है अर्जुन, तो समझ ही नहीं पाया कि ये कर्ण वाली चीज क्या है। अच्छा हाँ मेरी बात सुनिए महाराज, अब कहीं बता दूंगा तुझे सारी कहानी, अब कहीं फ्री कर दोगे असलियत क्या है। अच्छा फ्री मेरी बात सुनिए महाराज, बात कहां
हृदय में धरूं दिया ना दिख दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं उसका भी झाड़ दिया शेषनाग रथ के पहियों में फिर भी रथ उखाड़ दिया तीन लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया हो देख के भूल गया आसान रे देख के भूल गया आसान बाण गिरा कापे गया भानुधारी सबसे ज्यादा बलशाली देव हनुमान जी महाराज तेरे रथ की भुर्जी पर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं बिल्कुल महाराज शेषनाग पाताल का राजा जिसने तेरे रथ के पहिए जमीन में जकड़ रखे हैं बिल्कुल महाराज और मुख खोल करके दिखा दिया कि देख तीनों लोगों का नाथ ये श्री कृष्ण भगवान भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है बिल्कुल महाराज फिर भी इस करण के बाणों में इतनी शक्ति है कि तेरे रथ को तीन कदम रणभूमि के अंदर पीछे धकेल दिया है बिल्कुल महाराज अगर जो एक क्षण भर के लिए भी शेषनाग ने बजरंग बली महाराज ने और इस कृष्ण जी ने तेरे रथ का साथ छोड़ दिया तो तू समझ सकता है कि तेरा क्या हाल होगा ना तो तेरा पता लगेगा ना तेरे रथ का पता लगेगा अर्जुन इसलिए मैंने इस करण बली को शाबाशी दी थी हे महाराज जो अहंकार की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी थी वो खुल चुकी है मैं समझ सकता हूं वाक्य में करण बहुत बड़ा धनुधारी है दूर दूर तक है नामी और हम पांडव को उसके सामी ऐसे लगते हैं जैसे मच्छर के सामी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा बहुत अच्छी सुंदर आपने जो ये कविता दी है इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाने की कोशिश संपूर्ण तरीके से रखूंगा बाबूजी का नाम बोल दे अब ये बता दे तू चाहता क्या है महाराज मैं ये चाहता हूँ इस रणभूमि में विजय प्राप्त चाहता हूँ और अपनी जो मेरे प्राण हैं इसकी रक्षा चाहता हूँ मैं आपसे करण बलि से अगर मेरी प्राणों की रक्षा मिल जाए तो महाराज और विजय प्राप्त हो जाए मुझे यही हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है आपसे महाराज जैसे वो हो जाते हैं भैंसों को सानी करते हैं समय घिल मिल करते हैं ऐसे करे एकदम क्लियर नहीं यार कुट्टी सी कट का आ जाना क्लियर एक एक फूल अलग ऐसे आनी चाहिए आप ये चाहते हो कि मेरे प्राणों की रक्षा हो और इस कुरुक्षेत्र के रण मैदान में इस कर्णवली से मेरे प्राणों की रक्षा हो और मुझे जीत का रास्ता मिले ये हो गया ना क्लियर हाँ बिल्कुल सही है तो जीत किसकी तो होनी है किसकी होगी और किसकी होती रहेगी उस समय श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताया था और वो बात आज तक भी लागू होती है आप पर भी और हम पर भी कि आने वाले समय में भूत में भविष्य में वर्तमान में किसकी जीत होगी किसकी होती रहेगी किसकी हुई है
अंतिम कली में साथी श्री कृष्ण जी कैसे बताते हैं अर्जुन को, क्या बताया क्या कहा? माया का रचा तो रे प्रभु, भूलो ना दिख भूलो ना दिख भूलो ना एहसान जान मेरी इस कारण से बचा दो प्रभु, भूलो ना एहसान जान मेरी कारण से बचा दो प्रभु। अरे जीत और हार रण में हेरे रे 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 होगी राज भले उठाओ हो बाण, बात क्या शर्म की होगी। लड्डन सिंह लड़े जारे रण में, जीत तो धर्म की होगी। लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिंता ने में चिंता मैं भेद करे खटे श्री प्रेशर मुरारी बतला दो ये भेद खेत है ये अर्जुन को भारी मरूंगा बतला दो कर क्या हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। करण किरण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया, अर्जुन मान खड़ा हो गया। अरे करण के बदले दिखे अपने तेरे प्राण खड़ा हो गया। धर्म धर्म की धर्म धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया, रोक के बाण खड़ा हो गया। बचाना हो जाएगा।
ज्ञान तने तू बन ज्ञान खड़ा हो गया। मीठी बात करण की रण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया। ये कह दिया कि आज तू इस करण की मीठी मीठी बातों को मान करके खड़ा हो रहा है। उस दिन को भूल गया जब तेरा अकेला बेटा रण क्षेत्र के अंदर हाय हाय डकरा डकरा करके मर गया, साथ साथ महारथी मिलकर के उसको मार रहे थे, उनमें एक किरण बली भी शामिल था। उस बात को तू कैसे भूल सकता है भारत। दूसरे नंबर पे क्या कहा क्या बताया भला। भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था, इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशर्म नहीं था, तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था, उस दिन धर्म नहीं था। क्या दो चार युद्ध में पड़े मारने सारों ने, मैं चाहूं सर सत्तार दूं उन द्रोपद वाले भारों ने। धर्म दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, ने इतनी बात अर्जुन के दिलो दिमाग में उतारी तो अर्जुन भूल गए क्या तो धर्म है और क्या धर्म है। कर्ण को तो पता था कि अर्जुन तेरा छोटा भाई है। श्री कृष्ण जी को इस बात का सारा पता था। कर्ण बलि इस बात को जानते थे कि अर्जुन तेरा छोटा भाई है, लेकिन अर्जुन को इस बात का पता नहीं था कि जिस कोख से तूने जन्म लिया है उसी से कर्ण बलि पैदा है। जानबूझकर भी साथियों कई मौके ऐसे आए थे उस रण क्षेत्र में युद्ध के अंदर, कई मौके ऐसे आए थे कि चाहता तो कर्ण बलि उस अर्जुन को मार सकता था, लेकिन साथियों नहीं, छोटा भाई था। मन के अंदर प्रेम कहीं ना कहीं बसा हुआ था कर्ण बलि के, और आज कर्ण बलि साथियों निहत्ता खड़ा हुआ है। एक श्राप दिया था गुरु परशुराम ने कि तूने मुझसे शूद्र बनकर के शिक्षा ली है, तेरे अंदर क्षत्रिय के गुण हैं, क्योंकि जब उसकी जंगा पर कीड़ा काट रहा था तो गुरुजी की निद्रा टूट जाए इसीलिए जंगा को हिलाया नहीं था।
गुरु की जब आंखें खुली थी तो गुरु ने कहा था, रे तू तो करण क्षत्रिय है, तू शूद्र नहीं है, मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देता और तूने मुझसे शूद्र बनकर के शिक्षा ली है। जिस दिन मेरी शिक्षा की तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन तेरे पास से मेरी शिक्षा ऐसे चली जाएगी कि जैसे तूने धनुष बाण की शिक्षा ग्रहण ही ना की हो। एक श्राप तो ये सामने आ गया और दूसरा श्राप एक गऊ। जिस टाइम राजा कंवल नयन की गऊओं को घेर रहे थे उस समय साथियों गड्ढे में धस करके मर गई थी कि जिस समय राजा कंवल नयन की गऊओं को कौरव घेर रहे थे और उस गऊ को करण ही घेर रहा था जो गड्ढे में धसी हुई थी। उस गऊ ने श्राप दिया था कि रे करण, जिस तरह मेरी मौत का कारण एक गड्ढा बन रहा है तेरी मौत का कारण भी एक गड्ढा बनेगा। आज साथियों दोनों श्राप सामने आ जाते हैं। करण बलि इस बात को जानते हैं कि अर्जुन तेरा छोटा भाई है, लेकिन अर्जुन नहीं जानता। एकदम से साथियों प्रत्यंजा से खींच करके बाण को चढ़ा दिया प्रत्यंजा पर और किस तरह धराशायी करता है रण क्षेत्र में क्या बताया अंतिम गली के अंदर कार्यक्रम। ले देख राजबल उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया, फंसा जाल में शेर दिया। सुन कृष्ण की बात बाण का करण तरफ मुंह फेर दिया, ना करी वार दिया बाण मार फिर करण धरण पे गेर दिया।